नमस्कार दोस्तों, सभी देशवासियों को छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जब छठ पर्व शुरुआत हो चुका है और काफ़ी लोग इस साल भी पूरे देश में पूरे विश्व में छठ पूजा का आयोजन कर रहे हैं, उसी कार्यक्रम के लिए मैं भी आज मुंबई से उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक शहर प्रयागराज जा रहा हूँ, जहाँ मेरा जन्म स्थान है, मेरा घर है। और फिलहाल अभी मैं मुंबई एयरपोर्ट पर हूँ। आपको बता दूँ कि 30 तारीख को हमारे घर ढेरहन बाबूतारा जिला प्रयागराज में छठ महापर्व के शुभ अवसर पर जागरण का आयोजन किया गया है, जिसमें बिहार से चलकर आ रही खुशबू उत्तम, बक्सर से आ रहे आर्यन बाबू और प्रयागराज से अमित यादव और विमल तनहार और दीपक चौबे जी इस कार्यक्रम शिरकत करेंगे। साथ ही साथ भोजपुरी और हमारे क्षेत्र के कई ऐसे गायक भी मौजूद रहेंगे जो गायन से हमेशा अपने क्षेत्र में नाम किए हैं। सबका नाम लेना तो संभव नहीं हो रहा है, लेकिन काफ़ी मात्रा में यहाँ लोग पहुँच रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि जितने भी हमारे क्षेत्र के लोग हैं प्लीज़ पहुँचें, जो मुझे जानते हैं, जिनके पास मेरा मैसेज या कोई कॉल्स नहीं जा पाया उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और इस छठ मैया के महापर्व पर ये जागरण जो हो रहा है उसके आयोजक हैं मेरे बड़े भाई राजीव भूषण, छोटे भाई अजय भूषण, दीपक कुमार और अनिल कुमार, साथ ही हमारे ग्रामवासी, हमारे ढेरन बाबूतारा के जितने भी ग्रामवासी हैं सबने मिल चढ़कर इस महापर्व में हिस्सा लिया है। उन सभी को तहे दिल से धन्यवाद और छठ मैया सभी को अपना आशीर्वाद दें। जब भी छठ मैया का गाना बजता है तो दिल में एक अलग सी गुदगुदी हो जाती है, सिहर जाता है कि चलो अब घर की तरफ चलना है। मैं भी जाने का कोई पहले से प्लान नहीं था, एक बार एक प्लान कल हुआ कि अब चलना है। फ्लाइट की टिकट इतनी महंगी है कि सोच के भी लोग नहीं जा पा रहे हैं, ट्रेन में टिकट नहीं मिल रही है, फिर भी हिम्मत करके मैं इस पर्व को मनाने के लिए प्रयागराज जा रहा हूँ। फिलहाल मैं मुंबई एयरपोर्ट पहुँच चुका हूँ, थोड़ी देर में हमारी फ्लाइट उड़ेगी। तो हमारे जितने भी चाहने वाले हैं देश दुनिया से, भोजपुरी के तमाम हमारे दर्शक, हमारे श्रोता, हमारे भाई बंधु बहन, सभी को छठ महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएँ।